कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी तिब्बत नेपाल होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। इसे सप्त कोसी भी कहा जाता है। इसकी 7 शाखाएं हैं। चीन और तिब्बत की नदियां भी इसमें मिलती है। साल 2008 में बिहार में इसने भीषण तबाही मचाई थी। तकरीबन 250 लोगों की जान गई थी। कभी इस नदी के बहने का दायरा 200 किलोमीटर हुआ करता था, जो अब 10 किलोमीटर ही रह गया है। हर साल ये नदी बिहार में तकरीबन 21,000 किलोमीटर में लगे फसल को बर्बाद कर देती है। एक तरह से इकोनॉमी की हवा निकाल ही देती है। बाढ़ के नाम पर बिहार में हजारों करोड़ खर्च भी होता है, लेकिन कामयाबी के नाम पर मिलता कुछ नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि देश में लोकसभा चुनाव हो रहा है और ये लड़की कोसी पर लेक्चर दे रही है। दरअसल बात हम चुनाव की ही कर रहे हैं, लेकिन ये बात उन लोगों की है जो ना तो 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट दिए और ना ही 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में, और इस बार भी ये लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। बिहार का एक जिला है सुपौल। सुपौल का एक गांव है खोकनाहा। यहां रहने वाले 300 परिवारों ने ही चुनाव को बॉयकॉट किया हुआ है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ में डायमंड रिंग, लैपटॉप और फ्रिज बांट रहा है, तो वहीं ये 300 परिवार पिछले कई सालों से चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। माने कि लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, उन नेताओं पर गुस्सा कर रहे हैं जिनके कारण इन्होंने ये फैसला ले रखा है। 300 परिवारों का गांव एक टापू जैसा बन चुका है। शहर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन वहां से जरूरत का सामान लाने में पूरा दिन निकल जाता है। ना नेता सुध ले रहे हैं और ना ही चुनाव आयोग। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 चुनावों में सुपौल के कोसी क्षेत्र के खोकनाहा गांव के निवासियों ने वोट ही नहीं दिया है। ये उनकी नाराजगी है लोकतंत्र के खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ जिनकी वजह से सालों से ये परिवार कोसी का दंश झेल रहा है। परिवार का एक सदस्य कहता है, हमारा राज्य खानाबदोशों से भी बदतर है। हम हर साल बेघर हो जाते हैं। जब सरकार ने हमारी मदद के लिए कुछ नहीं किया तो हमने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सुपौल में 7 मई को मतदान होगा। गांव वाले कहते हैं कि बिजली, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और हाई स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाएं भी यहां से गायब हैं। सरकार की उदासीनता से सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। गैस सिलेंडर नहीं होने के कारण खाना बनाना एक चुनौती जैसा है। लकड़ी पर टीन की चादर जब ये लोग डालते हैं तब घर का चूल्हा जलता है और भूख मिटती है। बारिश के दौरान स्कूल 3 महीने तक बंद रहते हैं। इलाके में डॉक्टर ही नहीं है। नाव पर कोसी की 2 धाराओं को पार करना पहाड़ की चढ़ाई जैसा है। देश लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मना रहा है, लेकिन यहाँ पैदा होने वाले बच्चे का नाम है ना ही कोई पहचान, क्योंकि पहचान के लिए जन्म प्रमाण पत्र चाहिए जो शहर में बनता है, और वहाँ के हॉस्पिटल में पैदा होने वाले बच्चों के लिए ये सब आसान है। लेकिन जिन बच्चों का जन्म गाँव में होता है उसके जन्म प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटकना होता है। खोकनाहा के हालात नहीं बदल रहे हैं, इसलिए लोग यहाँ से पलायन करने लगे हैं। फसल करो तो कोसी निगल जाती है, कुछ महीने पानी के कारण फसल लगी ही नहीं पाती, और ऐसे में यहाँ के लोग पंजाब जाने लगे हैं मजदूरी करने। इंडियन एक्सप्रेस अपनी रिपोर्ट में लिखता है, 25 साल के त्रिभुवन कुमार कहते हैं, कोसी के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मोदी जी हर जगह पुल बनवा दिए, लेकिन यहाँ के लिए कुछ भी नहीं किया। 2 चुनाव का बहिष्कार करने के बाद भी कोसी के लोगों की ना तो सरकार ने सुनी, ना ही राजनीतिक पार्टियों ने। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत होती है। एक वोट ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार तक गिरा दी थी। यहाँ तो 300 परिवारों के वोट का सवाल है। ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टियों ने भी आंखें बंद कर ली हैं। ये मान लिया है कि वोट के गणित में ये लोग ना भी हुए तो कोई खासा नुकसान नहीं होगा, जीत और हार का फैसला तो होगा ही। दूसरी तरफ गाँव वाले भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन लोकतंत्र के लिए बेहतर यही होगा कि ये वोट करें। अगर किसी को वोट ना देना हो तो ना दें, लेकिन वोट तो करें, क्या पता इससे ही कुछ बदलाव आ जाए। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।